नमस्कार, एराइज न्यूज में स्वागत है आपका। तो पेश है आज की अहम खबरें। धनबाद के गोविंदपुर प्रखंड के बरवा पंचायत में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। यहां के लोगों के लिए अब टूटी फूटी जर्जर सड़क से निजात मिल जाएगी, क्योंकि 1,62,00,000 रुपए की लागत से क्षेत्र की मेन सड़क का निर्माण कराया जाएगा। इसका शिलान्यास आज विधायक फूलचंद मंडल ने फीता काट कर किया। इस मौके पर विधायक ने कहा कि सड़क निर्माण के बाद जहां क्षेत्र के लोगों की परेशानियां कम होंगी, गर्भवती महिलाओं और बीमार लोगों को इलाज के लिए ले जाना आसान हो जाएगा, वहीं इससे इलाके के विकास को भी नई गति मिलेगी। क्षेत्र में पानी की समस्या को लेकर विधायक फूलचंद मंडल ने कहा कि पाइपलाइन का काम जोर शोर से चल रहा है और जल्द ही क्षेत्रवासियों को पानी की समस्या से भी निजात मिल जाएगी। विधायक ने कहा कि रघुवर सरकार ने जो संपूर्ण विकास का दावा किया था, उसे जमीनी स्तर पर उतारने का काम लगातार जारी है। इस मौके पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और इलाके के लोग उपस्थित थे। ग्रामीणों का रोड था, मैं भी आता जाता था, बीच में देखता था। मैंने जरूरत इसकी महसूस की कि बनना चाहिए, मैंने अनुशंसा किया। कितने का एस्टिमेट है और कितना किलोमीटर करीब 2,250,000 किलोमीटर? अब एस्टिमेट तो पूरा मुझे ठेकेदार बताएगा। एस्टिमेट लगा हुआ है एक बार से। कितने दिन में ये कंप्लीट होना है? बनकर एक साल। सर, यहाँ का एक और मामला है, माइथन से पानी धनबाद की ओर जा रहे, परंतु बरवा का लोग त्राही मान त्राही माम कर रहे पानी के लिए। इस विषय में सर आपका क्या कहना है? टंकी वगैरह का निर्माण शुरू हो रहा है, हर गांव में लाइन बिछेगा, पाइपलाइन बिछेगा, हर गांव के हर टोला हर मोहल्ला में। गोविंदपुर प्रखंड का 319 रेवेन्यू विलेज और उसका जितना टोला मोहल्ला है, सब गाँव में पाइपलाइन से पानी जाएगा।